चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2022 का सातवां मुकाबला खेला जा रहा है, जहां लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई की टीम, जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफी निराशाजनक बल्लेबाजी करके दिखाई थी, आज पूरी तरह से इस मैच में चेन्नई के बल्लेबाज छाए हुए नजर आ रही हैं। हालांकि युवा ऋतुराज आज एक बार फिर अपना विकेट सस्ते में गंवा बैठे, लेकिन टीम को उनकी ज्यादा कमी नहीं खली, क्योंकि जैसी बल्लेबाजी आज रॉबिन उथप्पा ने की है, उसे देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी सीएसके के फैंस जरूर ही खुश हो रहे होंगे। रॉबिन उथप्पा ने आज पहले ही ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों पर करारा प्रहार करना शुरू किया। रॉबिन उथप्पा ने एक के बाद एक लखनऊ के गेंदबाजों में जमकर मार लगाई। लखनऊ के लिए अपना पहला मैच खेल रहे एंड्रू टाई ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी कराई, लेकिन जब दूसरे ओवर में उनका सामना रॉबिन उथप्पा से हुआ, तब रॉबिन उथप्पा ने उनके एक ही ओवर में 18 रन निकालकर चेन्नई को पहले विकेट से उबारा। एंड्रू टाई के दूसरे ओवर में रॉबिन उथप्पा ने 4 चौके जड़ी। रॉबिन उथप्पा ने आज इतनी शानदार पारी खेली कि उन्होंने अपने आईपीएल करियर का 26वां 50 महज 26 गेंदों में ही पूरा कर लिया। हालांकि 50 पूरा करते ही रॉबिन उथप्पा युवा गेंदबाज रवि बिश्नोई का शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी के बदौलत चेन्नई को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। रॉबिन उथप्पा के स्कोर की बात करें तो आज उन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन लगाए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।